सभी को मेरा प्रणाम है और शुभ दिन है। हर दिन सुबह में जल्दी उठना है और सुबह में उठ करके एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। एक्सरसाइज और योगा अपने शरीर के लिए, खुद के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कर सकते हैं ऐसा योगा प्रकार मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप हर दिन ये योगा और एक्सरसाइज जरूर करना है और फिट और मस्त रहना है। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब कर सकते हैं। इस तरीके का एक्सरसाइज यानी योगा मैं आज बताने वाला हूँ। सभी जन सुबह जल्दी उठना है और इस एक्सरसाइज करना है, अपने सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे। तो पूरा श्वास अपने बदन में लेना है और हाथ ऊपर उठाना है। श्वास लेते समय ऊपर हाथ उठाना है, जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है और श्वास आहिस्ता 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 छोड़ते हुए नीचे झुकना है। पूरा अभी मैं पूरा श्वास बदन में ले रहा हूँ इस तरीके से। और आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे झुकना है इस तरीके। ये सब एक्सरसाइज कम से कम 5 बार आप पहला स्टार्टिंग से कीजिए, बाद में आप बढ़ा सकते हैं। अब ये तरीका हुआ, जो भी करना है पूरा श्वास लेना है और आहिस्ता आहिस्ता श्वास को छोड़ना है। अभी इस तरह से खड़ा रहना है और पूरा श्वास लेना है और बाई तरफ घूमते हुए ऐसा यहाँ पे श्वास को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना और ऐसा ही पूरा श्वास लेते हुए दाहिने तरफ घूमना है और क्या एंगल से श्वास को पूरा छोड़ना है। अभी प्रैक्टिकल अपन करेंगे। पूरा श्वास ले रहा हूँ मैं, इस तरह से जितना हो सके स्टार्टिंग आप कर रहे हैं अपने सेहत के लिए, तो 10 बार 5 बार 15 बार 20 बार कर सकते हैं। अभी हर चीज के लिए, हर एक्सरसाइज के लिए श्वास लेना है और ऐसा ऐसा छोड़ना है, एक बात ध्यान में रखिए। अभी मैं दाहिना हाथ कंधे पर रखता हूँ और बाया हाथ पीछे। ये भी करते समय श्वास को पूरा लेता हूँ और श्वास को छोड़ता हूँ। स्टार्टिंग करेंगे। छोड़ना है ऐसा ऐसा, श्वास ऐसा ऐसा छोड़ना है।
के बाद में पैर में गैप रखेंगे, डिस्टेंस देंगे और दाहिना हाथ नीचे और ये ऊपर करेंगे, बायां हाथ ऊपर। ये भी श्वास लेते हुए करना है और श्वास छोड़ना है। हर दिन एक्सरसाइज कीजिए और तंदुरुस्त रहिए।